नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई में बाप बेटे में हुई भिड़ंत। खबर भागलपुर के पीरपैंती की है, जहां रामविलास पासवान के खिलाफ उनके पिता उधाली पासवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके सामने चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं। बीते बुधवार उधाली पासवान ने अपने ही बेटे के खिलाफ अपना नामांकन दर्ज करवाया। उसी दिन राजद प्रत्याशी के रूप में उनके बेटे रामविलास पासवान ने भी अपना नामांकन दिया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही किसी न किसी वजह से ये सारे प्रत्याशी चर्चा में बने हुए हैं। और ऐसे ही एक चर्चा का विषय है ये बाप बेटे की भिड़ंत। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि उधाली पासवान पहली बार नहीं है कि वह अपने बेटे के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं। हर एक चुनाव में पिता उधाली पासवान अपने बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन अंतिम दिन वह अपना नामांकन पत्र वापस ले लेते हैं। अब देखना यह है कि उधाली पासवान का अगला कदम क्या होगा। वहीं विधायक पुत्र के खिलाफ पिता के नामांकन के पीछे चिंतन को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चिन्हित शक्तियां हैं, जिसके तहत चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों को कई बंदिश रहती है। राजनीतिक जानकार विजय शंकर का कहना है कि विधायक रामविलास पासवान इससे पहले भी पंचायती से लेकर विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय अपने पिता को भी नामांकन कराते आए हैं, और आयोग के निर्देश के आलोक में पिता के लिए जारी गाड़ियों का उपयोग वह अपने प्रचार के लिए करते रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिल्क टीवी को फॉलो करें, और अगर ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।